दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महिलाओं द्वारा ऐसे नहाने पर नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इनकी होने वाली संतान राक्षसी होती है। साथ ही साथ पति पर आते हैं भारी संकट और घर का माहौल भी मनहूस लगने लगता है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। आधुनिक युग में स्नान करने की क्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग खुले में, नदी में, तालाबों में स्नान किया करते थे, वहीं अब स्नान करने के लिए आधुनिक स्नान घर बनवा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से छिपे हुए रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भगवान कृष्ण के अनुसार बताएंगे कि स्नान के वक्त हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। खासकर औरतों को ऐसे कभी नहीं नहाना चाहिए, लगता है पाप, जाना पड़ता है नरक में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण ने स्त्रियों को बताया कि पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दरअसल स्नान को लेकर पद्म पुराण में ये नियम बताया गया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण रूप से नग्न होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य पाप का भागीदार बनता है। पद्म पुराण में इस संबंध में एक कथा बताई गई है कि एक बार गोपियां स्नान करने नदी में उतरी तो कान्हा जी ने उनके कपड़े छिपा दिए। गोपियां जब वस्त्र ढूंढने लगी तो उन्हें नहीं मिले। तब कान्हा जी ने कहा कि वस्त्र पेड़ पर है, आकर ले लो। तो गोपियां बोली कि जब वे स्नान करने आई थी तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब वे बिना वस्त्रों के जल से बाहर कैसे निकले। दोस्तों, तभी भगवान कृष्ण ने बताया कि ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। आसमान में उड़ते पक्षियों, जमीन पर चलने वाले जीवों और जल में मौजूद जीवों ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा। इतना ही नहीं, जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें नग्न देखा। ये उनका अपमान है। आपकी नग्नता आपको पाप का भागीदार बनाती है। यही वजह है कि हमें एकदम निर्वस्त्र होकर स्नान कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आजकल के इस दौर में कई लोग ऐसे हैं जो एकदम सफाचट नग्न होकर स्नान करते हैं, जो कि उनके नरक के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, इसीलिए कम से कम एक वस्त्र पहनकर जरूर स्नान करना चाहिए, ताकि नरक ना भोगना पड़े। दोस्तों, वहीं आपके पूर्वज भी आपको नग्न देखते हैं, जानिए कैसे। गरुण पुराण में बताया गया है कि जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो राक्षस के रूप में आपके पितर आपके आसपास मौजूद होते हैं। वे आपके वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है और पितर दोष भी लगता है। और जब ये नाराज हो जाए तो संतान भी राक्षस पैदा होती है और घर के कमाने वाले व्यक्ति पर अब तक के सबसे बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसीलिए कम से कम एक वस्त्र तो आप जरूर पहनकर नहाएं। दोस्तों, बाथरूम गंदा छोड़ने से राहु केतु का पड़ता है बुरा प्रभाव, और जब राहु केतु व्यक्ति पर लग जाए तो उसे कंगाल करके ही छोड़ते हैं। दरअसल कई लोग नहाते समय बाथरूम को गंदा ही छोड़ देते हैं और गंदे बाथरूम में ही स्नान करते हैं, जो कि ऐसा करने से दुष्ट गरीबी आती है, राहु केतु नाराज हो जाते हैं। माना जाता है कि गंदे स्थान पर नहाने से और गंदा बाथरूम छोड़ देने से राहु केतु आपका विनाश कर देते हैं। वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो आपको कंगाल नहीं बना देते और आपके परिवार को भी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए राहु केतु को कभी नाराज मत होने देना। साथ ही साथ शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। राहु केतु के कारण ही काल सर्प दोष लगता है। इसीलिए बाथरूम को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए
और व्यक्ति के गंदा रहने से भी मनहूस गरीबी आती है, क्योंकि गंदे व्यक्ति को राहु केतु आगे बढ़ने नहीं देते। संसार में जितनी भी सड़क या अकाल दुर्घटनाएं होती हैं, वो राहु केतु बा शनि की कूर दृष्टि पड़ने के कारण ही होती है। इसीलिए सतर्क रहें और पवित्र रहें। कहते हैं राहु केतु बा शनि व्यक्ति से अगर प्रसन्न हो जाए तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत धनी होने से रोक नहीं सकती। ये उस व्यक्ति को मालामाल करके ही छोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो ये जानकारी जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, स्नान कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान, ये स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। गरुण पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5-2 घंटे पहले का समय यानी कि सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय होता है। शास्त्रों में ये समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारिक ऊर्जा होती है, क्योंकि इस समय देवता का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। दिन भर हमारा तन और मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। दोस्तों, दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किए जाने वाले स्नान को देव स्नान कहते हैं। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले स्नान को श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी तरह देव स्नान के समय स्नान करने से हमारा तन और हमारा मन शुद्ध होता है। दोस्तों, तीसरा स्नान, सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। ये भी श्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। दोस्तों, चौथा स्नान, 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। दोस्तों, पांचवा स्नान, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में सही समय नहीं माना जाता। इस समय वातावरण में दिव्य शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, जिससे वो दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। जो कि महिला 8 बजे के बाद स्नान करती है, उसके जीवन में सदैव दुर्भाग्य बना रहता है और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, छठा स्नान, दानव स्नान। दोपहर 12 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद भी जो लोग स्नान नहीं करते, उनके मन में दिन भर क्रोध, नकारात्मकता, कमजोरी, चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। इसीलिए गरुण पुराण में हमें प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इस पवित्र समय पर जाकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देव को अर्घ देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। आइए जानते हैं स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए जिससे सभी बुराइयों का अंत हो जाए। गंगे चे यमुना चे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल से इस्मिन से निंधी कुरु,
यानी कि इस मंत्र का मतलब है, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारें। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी नजर, रोग, बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति जीवन में सुख और समृद्धि को पा लेता है। दोस्तों, आप किस समय स्नान करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।